हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेस जुडिकेटा के बारे में सेक्शन 11 जो सीपीसी में जिसका प्रोविजन दिया गया है रेस जुडिकेटा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं रेस जुडिकेटा में क्या है। डेफिनेशन, रेस जुडिकेटा का डेफिनेशन पहले समझते हैं क्या है ये। नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इश्यू इन विच मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इश्यू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इश्यू इन ए फॉर्मर सूट between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. अब ये डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि कोई भी कोर्ट ऐसा कोई भी सूट ट्राई नहीं करेगी जिस सूट में, जिस सूट का मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इश्यू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इश्यू इन ए फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर द सेम टाइटल जो है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी कोर्ट ऐसा सूट और इश्यू ट्राई नहीं करेगी जो सूट और इश्यू उस कोर्ट के सामने रखा गया है जिसका सब्जेक्ट मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली सेम है। किसके साथ सेम है, किसके साथ सिमिलर है, जो ऑलरेडी इन इन पास्ट ऑल्सो देर हैज बीन वन सूट फाइल्ड इन विच द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड इश्यू हैज बीन रेज्ड। कहने का मतलब ये है कि रेस जुडिकेटा का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि ऐसा कोई भी सूट जिसका इश्यू, सब्जेक्ट मैटर और टाइटल सेम नहीं होना चाहिए प्रीवियस सूट से, मतलब जिस सूट का ऑलरेडी किसी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, वही सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके आप अगेन कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सूट दाखिल नहीं कर सकते, वो बार हो जाता है। ठीक है, तो रेस जुडिकेटा वही कहता है कि भाई ऑलरेडी जिस सब्जेक्ट मैटर पे एक बार जिस कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, आप उस कोर्ट या किसी और कोर्ट में सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर या सेम पार्टीज को लेके आप फिर से कोर्ट में केस दाखिल नहीं कर सकते हैं, ये कंप्लीटली बार है। यही रेस जुडिकेटा कहती है। मतलब इसको अगेन फिर से थोड़ा उसको एलिबोरेट वे में समझते हैं कि नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इश्यू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इश्यू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इश्यू इन अ फॉर्मर सूट। मतलब जो भी पहले ऐसा कोई कोर्ट सूट अपने हाथ में नहीं लेगा जो जिसका इश्यू ऑलरेडी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इश्यू इन अ फॉर्मर सूट, जो पहले का कोई सूट है उसमें ऑलरेडी यही सेम चीज इश्यू रेज किया गया था, तो जो ऑलरेडी फॉर्मर सूट में रेज किया गया है वही सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके फिर से कोई कोर्ट केस दाखिल नहीं करेगी। उसका कुछ कंडीशंस है कि वो बिटवीन द सेम पार्टी होना चाहिए, जो सेकेंड सूट है जो दाखिल जो बार होता है रेस जुडिकेटा से, वो सेम पार्टी के बीच में नहीं होना चाहिए और सेम सब्जेक्ट मैटर अंडर द सेम टाइटल नहीं होना चाहिए, ये उसका कुछ कंडीशंस है। एंड इन अ कोर्ट कंपिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इश्यू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड एंड हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। मतलब यही है कि फॉर्मर सूट में जो सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी जिस कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है वही सब्जेक्ट मैटर को लेके अगर पार्टी भी सेम है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, तो सेम सूट आप फिर से कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेस जुडिकेटा का बार लगेगा, यहाँ पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, इसलिए आप सेम कॉज ऑफ एक्शन या सेम लिटिगेशन पे, चाहे वो सेम लिटिगेशन हो या सेम पार्टी हो, आपको अगेन सूट दाखिल नहीं कर सकते, ये डेफिनेशन बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मर सूट लिखा हुआ है, फॉर्मर सूट का मतलब ये नहीं होता कि पहले जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तो उसको फॉर्मर सूट बोलेंगे, इस तरीके से कैसे नहीं समझना है। फॉर्मर सूट मतलब उसको इस ढंग से समझते हैं कि जैसे दो सूट है, एक सूट नंबर वन जो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2020 को इंस्टीट्यूट हुआ है, और दूसरा नंबर का सूट सूट नंबर टू जो 1 मार्च 2020 को इंस्टीट्यूट हुआ है। हाँ, लेकिन जो सूट नंबर टू है
1 मार्च 2020 को जो इंस्टीट्यूट हुआ है, अगर वो पहले ही डिस्पोज हो जाता है, पहले ही उसका फैसला हो जाता है और पहले ही उसके ऊपर डिग्री बन जाती है उस जजमेंट के ऊपर, तो भले ही सेकेंड सूट सूट नंबर 2 है जो 1 मार्च को इंस्टीट्यूट हुआ है, लेकिन सेकेंड सूट को ही फॉर्मर सूट कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका डिसीजन पहले आ गया है। तो जिस सूट का डिसीजन पहले आएगा तो उसी को फॉर्मर सूट कहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। भले ही वो बाद में इंस्टीट्यूट हुआ है, बहुत लेट हुआ है, कुछ उससे कोई लेना देना नहीं है, जिस सूट का डिसीजन पहले आया है उसको फॉर्मर सूट कहेंगे। अब रेस मीन्स ए थिंग एंड जुडिकेटा मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड। ये लेटिन वर्ड से रेस एंड जुडिकेटा, तो लेटिन से डिराइव किया हुआ वर्ड से। रेस का मीनिंग होता है थिंग एंड जुडिकेटा मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड। तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि जस्ट ए सेकेंड, Race means a thing and judicata means already decided, meaning the thing which once decided by the competent court should be taken as conclusive truth and until they are reversed by higher court. मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो चीज जिस सब्जेक्ट मैटर पे ऑलरेडी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है उसको कंक्लूसिव ट्रूथ ही माना जाएगा अंटिल दे आर रिवर्स बाय द हाई कोर्ट। अगर अपील में कुछ रिवर्स हो गया डिसीजन का या हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया डिसीजन का, तो वो अलग बात है, अदरवाइज उसको कंक्लूसिव ट्रूथ ही माना जाएगा। ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स। जो मैक्सिम्स है वो 3 इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे दिए गए हैं जिसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा बेस करता है। ठीक है, वो क्या है 3 इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स, वो देखते हैं। पहला है इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिस लिटियम, इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिस लिटियम। इसका मतलब ये होता है कि इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन। मतलब हर ये सिर्फ ये स्टेट को भी अपना इसमें इंटरेस्ट लगाना है, स्टेट को भी ध्यान रखना है कि कोई भी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है, चाहे लीगल कंट्रोवर्सी हो, लैंड के हो, लॉ के ऊपर हो, उस स्टेट का भी इसमें इंटरेस्ट जुड़ा रहना चाहिए कि भाई लिटिगेशन कम से कम हो, और अगर लिटिगेशन होते भी हैं तो उसका इमिडिएटली उसका डिस्पोजल हो इन ए जस्टिफाइबल मैनर। ठीक है, तो ये स्टेट का भी इंटरेस्ट इसमें है कि स्टेट को भी इसमें इंटरेस्ट दिखाना है अपना कि ऐसा कम से कम लिटिगेशन हो, अगर होता है तो उसको इन जस्टिफाई मैनर फटाफट उसको एंड किया जाए, उसका एंड उसका कंक्लूजन लाया जाए उस लिटिगेशन का। ठीक है, ये मैक्सिम जो है ना, ये इंपॉर्टेंट ये इसमें मैंने 3 बताए हैं, वो प्रीलिम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम एग्जाम्स में भी इसको ऐसे ही पूछा जाता है कि इंटरेस्ट रिपब्लिक के अर्थ सेट फिनिश लिटियम का मीनिंग क्या होता है, तो ऑप्शन में दिए जाएंगे उसमें से इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन, इसका रियल मीनिंग होता है। तो अगर जो भी ऑप्शन हो और ये अगर टिक ऑप्शन दिए गए होते हैं तो उनको टिक करना होता है। ऐसे मतलब इस टाइप के मैगजीन भी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं। सेकेंड मैगजीन है नेमो डेविड लिस वेक्सारी प्रो उना एट एंडेम कॉसा, नो वन शेल बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। मतलब एक ही चीज पे आप जैसे प्लेंटिफ ने रिस्पोंडेंट के ऊपर सिविल केस दाखिल किया है, तो ऑलरेडी जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो एक ही चीज पे आप बार बार उसको रिस्पोंडेंट को परेशान नहीं कर सकते। एक बार ऑलरेडी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो आप सेम उसी सब्जेक्ट मैटर को लेके किसी और कोर्ट में या थोड़ा ट्विस्ट करके सब्जेक्ट मैटर को सेम चीज पे आप रिस्पोंडेंट को बार बार आप उसको परेशान या उसको ये एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। तो यही बोलता है कि अगर एक बार कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो आप उसको फाइनल ही मानना पड़ेगा। ये जस्ट मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि आर्टिकल 22 में भी इसी चीज़ को बताया गया है कि किसी भी ये हालांकि क्रिमिनल्स के ऊपर है ये कि क्रिमिनल को एक ही गुना के लिए 2 बार उसके ऊपर ट्रायल नहीं होगा। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और डबल जीओ पार्टी जो वही चीज़ को एक्सपेंड करती है जो 300 सीआरपीसी में सेक्शन 300 सीआरपीसी में उसका प्रोविजन दिया गया है। रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपेटर, ए जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज ए करेक्ट। मतलब ये कहता है कि
जो भी कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन देती है तो उसको उसको रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करना ये हर सिटीजन की जिम्मेदारी है। मतलब उसको आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। आप उसको चैलेंज, मतलब चैलेंज आप अपील का प्रोविजन है, ठीक है, आप अपील के लिए जाइए अगर आपको इफ लगता है कि इफ इनजस्टिस इज देयर इन फेवर ऑफ यू, बट इन जनरल वे जो भी कोर्ट डिसीजन देती है उसको रिस्पेक्ट के साथ आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट करेंगे तभी लिटिगेशन का एंड होगा। अगर कोई भी, हर इंसान अगर एक्सेप्ट नहीं किया और हर इंसान उसको डाउट की नज़र से देखने लगा या लूपहोल्स की नज़र से देखने लगा तो हर इंसान उसको चैलेंज करते रहेगा, तो उसका फिर लिटिगेशन का कभी एंड नहीं होगा। इसलिए एज ए करेक्ट जजमेंट आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि जो कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है, जजमेंट दिया है, वो सही है, मेरिट के हिसाब से ही दिया है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, द रूल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, क्वेश्चन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स, प्रोबेट प्रोसीडिंग्स, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, इन ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ डिक्रीज। मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होंगे। ये स्पेशली मैंने ये रेड इंक पे से लिखा है, प्रोबेट प्रोसीडिंग्स एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। मतलब ये इसलिए मैंने लिखा है कि ये स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोबेट प्रोसीडिंग्स में रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा कि नहीं होगा, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स में रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो हाँ जी हाँ, प्रोबेट प्रोसीडिंग्स में भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स में भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, ठीक है। तो रेस जुडिकेटा इज ए मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। तो रेस जुडिकेटा इज ए मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, मतलब क्या कि भाई कोई भी फैक्ट है उसके ऊपर भी रेस जुडिकेटा लगेगा अगर कोई डिस्प्यूटेड है, और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी होगा। अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो समझने वाली बात है कि हाँ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होगा, तो ये थोड़ा मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझा दूँ कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये होता है कि मान लो कि किसी भी लीगल पॉइंट पे आप किसी का ओपिनियन सीक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कर्नाटक हाई कोर्ट का ओपिनियन किसी जजमेंट को आप उसको एडमिशन के लिए ध्यान रख रहे हैं, मतलब कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस लीगल, किसी भी लीगल पॉइंट में अलग ओपिनियन दिया है, उसी लीगल पॉइंट पे महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने अलग व्यू दिया है, तो दोनों हाई कोर्ट का अलग अलग व्यू है सेम लीगल पॉइंट पे, तो आप किस हाई कोर्ट को फॉलो करेंगे? देर मे बी कंफ्यूजन, यू नो, कि भाई आप कर्नाटक हाई कोर्ट सही है कि महाराष्ट्र का हाई कोर्ट सही है। तो ये है कहने का मतलब कि ऐसे कोई लीगल पॉइंट हो जिनमें अलग अलग ओपिनियंस आते हो, जिसका कुछ क्लियर कट कुछ कंक्लूजन ना निकलता हो, तो उस टाइप के पॉइंट्स को क्वेश्चन ऑफ लॉ कहेंगे। एविडेंस, अगर किसी रिकॉर्डिंग ऑफ किसी सिविल प्रोसीडिंग्स में आपको अपने एविडेंस दिया है, प्राइमरी एविडेंस को रिकॉर्ड नहीं किया गया है, एविडेंस को नजरअंदाज करके जजमेंट दिया गया है, जो एविडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, उस एविडेंस को नहीं ध्यान रखते, उसको रिकॉर्ड नहीं करके डिसीजन दिया है, तो उस एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप लीगल क्वेश्चन ऑफ लॉ में आप उसको उठा सकते हैं। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन लॉ में नहीं है, मतलब किसी चीज में यू नो एम्बिग्युटी है किसी ब्लॉक पॉइंट पे कि क्लियर नहीं है, कहीं पे भी क्लियर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन लीगल लॉ पॉइंट है जो क्वेश्चन ऑफ लॉ में आप इंक्लूड कर सकते हैं। किसी भी प्रोविजन, लॉ प्रोविजन का वायलेशन होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं, जो आप हाई कोर्ट में रेज कर सकते हैं। मतलब ठीक है, ए डिक्री पास बाय कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट रेस जुडिकेटा बट नॉ बट कोरम नॉन जुडाइस। ए डिक्री पास बाय कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, अगर वो कोर्ट डिक्री पास करती है तो उस डिक्री पे रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, बल्कि उसको कोरम नॉन जुडाइस बोलेंगे। कोई भी ऐसा कोर्ट जिस कोर्ट को किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर और जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसके बावजूद अगर वो डिक्री पास करती है तो वहां पे रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, वहां पे उसको कोरम नॉन जुडाइस बोलेंगे। ए जुरिस्डिक्शनल क्वेश्चन इफ रॉन्गली डिसाइडेड वुड नॉट अटैक रेस जुडिकेटा, मतलब जुरिस्डिक्शनल क्वेश्चन इफ रॉन्गली डिसाइडेड, मतलब गलत तरीके से उसको डिसाइड किया गया है जुरिस्डिक्शनल क्वेश्चन को, तो वो रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं करेगा, मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगा। एन एक्स पार्टी डिक्री विल ऑपरेट रेस जुडिकेटा, मतलब एक्स पार्टी डिक्री कोई भी है वो उस पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। रेस जुडिकेटा डज नॉट अप्लाई टू समरी प्रोसीडिंग्स,
जो रेस जुडिकेटा है वो समरी प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होगा। समरी प्रोसीडिंग्स में छोटे मोटे जो प्रोसीडिंग्स होते हैं, आपको रिकवरी ऑफ मनी सूट या जैसे कोई भी अगर जनमेंट डेटर है, ठीक है, अगर डिक्री डेटर है, अगर डिक्री होल्डर और डिक्री डेटर के पास कोई भी मनी आपको रिकवर करना है पर वो नहीं कर रहा है, उसके लिए आप अलग से प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, मनी रिकवर के लिए, तो जितने भी इस टाइप के प्रोसीडिंग्स होते हैं उसमें उसको समरी प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, जिसमें रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। और रेस जुडिकेट रूल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स मतलब जो भी ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स बताए गए हैं, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, ठीक है, तो वो सारे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, ठीक है। रेस जुडिकेटा डज नॉट अफेक्ट द पार्टीज टू द सूट बट ऑल्सो अफेक्ट अफेक्ट टू प्रीवियस। रेस जुडिकेटा कहाँ कहाँ लगेगा ये तो आपको पता चल गया कि भी सेम पार्टी नहीं होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट मैटर नहीं होना चाहिए, सेम टाइटल नहीं होना चाहिए, तो अगर सेम हुआ तो रेस जुडिकेटा लग जाएगा, सूट बार हो जाएगा, ठीक है, तो पार्टी सेम होना चाहिए। पर यहाँ पे ये कहते हैं कि रेस जुडिकेटा नॉट ओनली इफेक्ट द पार्टीज टू द सूट बट ऑल्सो इफेक्ट द प्रीवियस, मतलब पार्टीज को ही नहीं लेकिन प्रीवियस को भी इफेक्ट करेगा रेस जुडिकेटा। तो अब प्रीवियस किसको बोलेंगे, तो प्रीवियस उन लोगों को बोलेंगे, उन पर्सन्स को बोलेंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सब्जेक्ट मैटर है उस सूट का उससे जुड़े हुए हैं, भले ही वो लोग उस सूट में पार्टी की तरह उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया हो, लेकिन जो सूट का मेन सब्जेक्ट मैटर है उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी पर्सन्स जुड़े हुए हैं उनको प्रीवियस कहा जाएगा। तो उन प्रीवियस को, उन प्रीवियस के ऊपर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। If there is alteration or change of law, then in such condition, the previous decision between the party will not operate as res judicata on the same question. मान लो कोई कहीं change of law हो रहा है, कोई alteration of law हो रहा है, और जो कोई law में सुधार हुआ है या change of law हुआ है, तो जितने भी change of law हुए और alteration of law हुए हैं उससे पहले जितने भी decision हुए हैं उस decision पे कोई effect नहीं होगा, वो डिसीजन एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, उसमें रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। जो आफ्टर चेंज ऑफ लॉ, आफ्टर ऑल्टरेशन ऑफ लॉ से पहले जितने भी डिसीजंस हुए हैं कोर्ट के थ्रू वो सारे डिसीजन एज इट इज रहेंगे, उसमें चेंज ऑफ लॉ का इफेक्ट कोई नहीं लगेगा, उसमें रेस जुडिकेटा बार नहीं होगा, मतलब रेस जुडिकेटा उसमें लगेगा नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा विल अप्लाई टू फाइंडिंग्स रिकॉर्डिंग इन द केस, मतलब जो केस का जो फाइंडिंग्स होता है ना, फाइंडिंग्स ऑफ द केस, उसमें भी रेस जुडिकेटा लगेगा। रिट पिटिशन डिसमिस्ड ऑन मेरिट ऑपरेट्स एज रेस जुडिकेटा बट रेस जुडिकेटा डज नॉट अप्लाई टू हैबियस कॉर्पस रिट। जितने भी पांच रिट हैं सारे रिट पे हैबियस कॉर्पस सारे रिट पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, एक को छोड़ के हैबियस कॉर्पस रिट, मतलब हैबियस कॉर्पस रिट पे रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, उसके अलावा जितने भी हैं मैंडेमर सर्टियोरी प्रोहिबिशन, ठीक है ना, कोवरंटो, ये सारे रिट पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा हैबियस कॉर्पस को छोड़ के। रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल टू फॉरेन जजमेंट If it is decided merits, मतलब रेस जुडिकेटा फॉरन जजमेंट में भी लगेगा। ये सारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत ध्यान रखना, मैंने जितने भी पॉइंट्स इसमें मैंने एक्सप्रेस किए हैं सारे प्रीलिम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आते ही हैं, ठीक है, तो इसको हर पॉइंट्स को आप ध्यान रखना और माइंड में सेट कर देना कि रेस जुडिकेटा फॉरन जजमेंट पे भी लगेगा अगर वो मेरिट पे डिसाइडेड हुआ है तो। A decision in a suit may operate as res judicata against persons not expressly named as parties to the suit by virtue of explanation 6-2 section explanation 6-2 section 11 of CPC. मतलब जो explanation 6-2 section 11 of CPC में जो भी बताया गया है उस प्रोविजन के ऊपर भी रेस जुडिकेटा लागू होगा। अब और explanation 6 of section 11 में क्या है कि वेयर persons litigate bonafide in respect of public right or a private right claimed in a common for themselves and others, all persons interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under the persons who litigating। मतलब इसमें ये कहा गया कि explanation 6 में कि कोई भी person अगर bonafidely किसी public right और private right के लिए कहीं claim कर रहा है, किसी court में क्लेम कर रहा है, तो वो
वो बोनाफाइड है और पब्लिक राइट के लिए है, तो उस पब्लिक राइट में अगर पब्लिक राइट से जुड़े हुए और भी कोई कितने पर्संस हैं कॉमनली इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे उसमें पार्टी बनाए गए हों। अगर एक पर्सन बोनाफाइडली रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन इंटरेस्ट को जिसमें कई लोग जुड़ सकते हैं, तो अगर एक पर्सन भी अगर इंटरेस्ट कर रहा है तो वो ऐसा समझा जाएगा कि जितने भी पर्सन उसको इफेक्ट करते कॉमन इंटरेस्ट को सारे उसके पार्टी हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई जजमेंट होता है जो इसमें सिर्फ 1% है जो सारे कॉमन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसके अगेंस्ट में रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है तो सारे पर्सन अदर पर्सन जो पार्टी ऑफ सूट नहीं है तो उनको भी रेस जुडिकेटा उसमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ रेस जुडिकेटा इज टू अवॉइड टू डिक्रीज ऑन सेम मैटर ऑफ इन इश्यू। मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ रेस जुडिकेटा यही है कि भाई इसको टू अवॉइड टू डिक्रीज ऑन सेम मैटर इन इश्यू, मतलब दो एक ही मैटर पे दो दो डिग्री अगर कोई कोर्ट देगा तो कोई इसका कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब एक कोर्ट आपने ऑलरेडी डिसीजन दिया है, आप वही सब्जेक्ट मैटर को लेके आप थोड़ा उसमें चेंज करके ट्विस्ट करके किसी और आप कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर वो अपना डिग्री देगा। हर जज का खुद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिसीजन लेने का तरीका होता है, वो एविडेंस को उस नजर से देखता है। तो हर ओपिनियन हर कोर्ट का हर जज का अपना एक वो अलग व्यू होता है। अब एक ही सेम सेम चीज इश्यू के ऊपर दो दो डिग्री होगा वो अप्रोप्रिएट फॉर इस मे नॉट बी दी अप्रोप्रिएट फॉर जुडिशियल सिस्टम जस्टिस। ठीक है, तो यही है कि इससे सेम लिटिगेशन के ऊपर दो डिग्री को रोकने के लिए रेस जुडिकेटा का प्रोविजन दिया गया है। रेस जुडिकेटा हेल्प्स द मैटर टू ब्रिंग इट टू द फाइनलिटी ऑफ जजमेंट। मतलब यही है, रेस जुडिकेटा का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि लिटिगेशन फटाफट आ जाए, लिटिगेशन का एंड फटाफट आ जाए, उसको कंक्लूजन फटाफट आ जाए, फटाफट डिक्री आ जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक सूट दाखिल कर दिया है, अब उसमें 5 साल लगता है, फिर डिसीजन कोर्ट देती है, अब किसी के फेवर में जाती है, किसी के अगेंस्ट में जाती है, जिसके अगेंस्ट में जाती है फिर से घुमा फिरा के कहीं और कैसे भी करके ट्विस्ट करके फिर से वो सूट दाखिल करता है, तो ये तो चलता ही रहेगा, इसका कभी एंड ही नहीं होगा। तो इसी तरह से ये रोकना, इस चीज़ को रोकना और रोकने के लिए रेस जुडिकेटा को स्पेशली इसका प्रोविजन दिया गया है कि बार बार कोई एक ही चीज को सेम लिटिगेशन को या सेम टाइटल को बिटवीन द सेम पार्टीज को बार बार कोर्ट में पेश ना करे, उस चीज को रोकने के लिए रेस जुडिकेटा का प्रोविजन दिया गया है। तो ये बहुत ब्रीफली बहुत समराइज्ड वे में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, इसके ऊपर बहुत डिटेल में लेक्चर बन सकता है, लेकिन जस्ट मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है जिसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, और ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का ये आपको ये प्रूव होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स लॉट, बाय, टेक केयर।